आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती आई हुई है, जहां पर आप लोग अपने ग्राम सभा से ही अपना आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना आपको सैलरी दी जाएगी और कैसे आपका आवेदन होगा और कब आपको नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। आपको बता दूं, कंप्यूटर ऑपरेटर व सहायक के लगभग 58,189 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो पद निकल कर आई है, 58,189 लोगों का यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 लोगों का चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक गांव में सिर्फ 2 लोगों का यहाँ पर चयन किया जाएगा, जो कि एक आदमी जो होगा दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा और एक आदमी जो होगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर करता है उसको सहायता देगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों को कितनी सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सैलरी है दोस्तों, मानदेय सैलरी रखी गई है, जो आपको 6,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ का कंप्यूटर पे मदद करना है, कंप्यूटर के जरिए आपको कार्य करना है और आपको मानदेय सैलरी यहाँ पर 6,000 रुपये दी जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म मिलेगी, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इस नोटिफिकेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों फॉर्म को भरना है तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इसे पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दिनांक 25 जुलाई 2021 को दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट्स आई हुई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत से यहाँ पर वीडियो बन चुके हैं जो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, लेकिन कोई बताया नहीं कि आपको कैसे आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको कार्य में क्या क्या मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कार्यालय में हेतु कुर्सी, ऑफिस कंप्यूटर, मेज, स्टील की अलमारी। दोस्तों ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, आपको आखिर क्या क्या वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर जो आपको दी जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें कौन सा ऑपरेटर होगा, क्या क्या दोस्तों का सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहीं पर आपको ये फॉर्म मिल जाता है, यानी कि आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाता है। तो आपको इसी फॉर्म को दोस्तों ऑफलाइन भरना है। क्या क्या भरना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक अपना रंगीन फोटो यहाँ पर चिपकाना होगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर फोटो चिपकाते हैं, उसके बाद जो भी इस फॉर्म को भरता है, ठीक है, उसको अपना नाम यहां पर लिख देना है। ठीक है, जो लिखा गया आवेदक का नाम, ठीक है, वहां पर वो अपना नाम लिखेगा और उसके बाद नीचे यहां पर लिखा गया पिता एवं माता का नाम, तो उसके पिता या माता का नाम जो होगा वो उसे भर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है तीसरे स्थान पर जन्म तिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार, यानी कि आप लोगों के हाई स्कूल के अंक पत्र पर जो भी जन्म तिथि आपका है उसे आप लोग यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, और चौथे स्थान पे यहाँ पर पूछा जाता है आयु 1 जुलाई से 2021 के यहाँ पर आपका मान्य होगा, जो भी आपका वर्ष होता है, जो भी आपका महीना होता है, जो भी दिन होता है दोस्तों आप उसे यहाँ पर मिला करके भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जाता है, तो आपका जो भी जेंडर है, महिला है तो महिला आप लिखेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद श्रेणी आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट के हैं, जैसे कि दोस्तों अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति, सामान्य जो भी हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, आप अपना पूरा पता यहाँ पर लिख देंगे कि आपका क्या पता है। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पे यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 9वें स्थान पे आपको अपने शैक्षिक योग्यता भरना होता है। ठीक है, जैसे कि आपने 10वीं कक्षा में क्या लिया था, ठीक है, परीक्षा का नाम आप भरेंगे, कब आपने उत्तीर्ण किया था, कौन सा बोर्ड है, क्या क्या सब्जेक्ट आप लिए थे, क्या श्रेणी आया था और कितना परसेंट आपका आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग इंटर का भी भरेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इंटर, उसके बाद कौन से बोर्ड में है और कब आपने एग्जाम दिया था, उत्तीर्ण कर दिए थे, कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, फिर उसके बाद श्रेणी, उसके बाद परसेंट। ठीक है, ये सब दोस्तों आपको भरने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको कार्य का अनुभव, अगर आप लोग पहले से ही कंप्यूटर ऑपरेटर करते हो तो कितना अनुभव है आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 11वें नंबर पर पूछा जाता है कोविड-19 से मृत व्यक्ति किसान के रूप में आवेदन किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों इसे आप पढ़ करके अगर है तो आपको हाँ करना है, यही तो नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग अपना एक साइन करेंगे और साइन करने के नीचे आप लोग अपना डेट लिखेंगे कि किस डेट को आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये सब भरने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जब आपका नियुक्ति हो जाए तो आपको इस फॉर्म को भी भरना होता है। यहाँ पर आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है और सब आपको यहाँ पर ध्यान से भर देना है। ये सब भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, पर आपको मिलता है प्रधान का मोहर, उसके बाद पंचायत सहायक, दोस्तों यहाँ पर उनका नाम, निवासी सब आपको भरना होता है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे गवाह आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों, गवाह का नाम, पिता का नाम, निवासी तिथि, आपको ये सब गवाह भी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आप जब नीचे आते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर बताया जाता है कि क्या कार्य है और निरस्त कब होगा, कब से कब तक ये निरस्त होगा,
तो आपको ये सब पूरा ध्यान से पढ़ना होगा, यानी कि नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको अप्लाई फॉर्म को करना होगा। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप इस फॉर्म को भर के कहाँ पर जमा करेंगे। दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर के अपने ग्राम पंचायत में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों आप लोग अपने ग्राम पंचायत में जाकर के पता कर लीजिए कि ये फॉर्म कहाँ पर जमा हो रहा है, उसके बाद आप लोग इस फॉर्म को वहीं पर जमा कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। करेंगे ये वीडियो को बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।